तो गाइस आज Realme का इवेंट था जिसमें Realme का GT Neo और Realme का B13 5G स्मार्टफोन लॉन्च किए गए हैं। जो Realme का GT Neo है उसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आपको कार्ड में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम Realme के V13 के बारे में बात करेंगे जो आपको इंडिया में जल्दी मिलने वाला है। तो आप लेकर चलो कि अप्रैल के लास्ट वीक में ये जो स्मार्टफोन होगा वो आपको इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इसकी प्राइस के बारे में तो इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है चाइनीज मार्केट के हिसाब से। ये जो स्मार्टफोन है वो 8GB रैम 128GB के बेस वेरियंट के साथ आता है जिसकी प्राइस आपको 17,855 रुपीज़ देखने के लिए मिल जाती है। और जो हायर वेरियंट है वो 8GB रैम 256GB वाला है जिसकी प्राइस आपको 20,090 रुपीज़ देखने के लिए मिल जाती है। तो गाइस ये जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ वो चाइनीज युआन को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर बता रहा हूँ। और अगर हम बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको एवरेज ही देखने के लिए मिल जाती है। इतनी हाई लेवल वाली स्पेसिफिकेशन आपको स्मार्टफोन में नहीं मिलती। Realme का जो 8 है वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन से कंपेयर करें, बट वहाँ पर आपको 5G का सपोर्ट नहीं मिलता जबकि यहाँ पर आपको 5G का सपोर्ट मिल जाता है। Realme का जो V13 5G स्मार्टफोन है इसमें आपको 6.5 इंचेस की एक फुल HD प्लस वे डिस्प्ले मिल जाती है जो एक IPS LCD पैनल के साथ आती है। और यहाँ पर आपको 90Hz पर डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट मिल जाते हैं। ये जो स्मार्टफोन है वो MediaTek के Dimensity 700 वाले प्रोसेसर के साथ आता है जो 7nm टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। और इसमें आपको LPDDR4X वाली रैम मिल जाती है और UFS 2.1 की स्टोरेज मिल जाती है। और इसमें आपको microSD कार्ड का सपोर्ट भी मिल जाता है क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है वो डेडिकेटेड सिम स्लॉट्स के साथ आता है। और अगर हम बात करें इसके एंड्रॉइड वर्जन की तो इसमें आपको एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट मिल जाता है जो बेस्ड है Realme की UI वर्जन 2.0 पर। और इसमें आपको 48MP का रियर कैमरा मिल जाता है, 2MP का ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर मिल जाता है और 2MP का आपको मैक्रो सेंसर मिल जाता है। तो जो कैमराज है वो भी आपको एवरेज से मिल जाते हैं। 8MP का इसमें आपको सेल्फी कैमरा मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 3.5mm ऑडियो जैक और हाई रेस ऑडियो की सर्टिफिकेशन मिल जाती है। इस स्मार्टफोन का जो वेट है वो आपको 176 ग्राम देखने के लिए मिल जाता है। और इसमें आपको डुअल 5G मोड और डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है और टाइप सी का सपोर्ट भी मिल जाता है। ये जो स्मार्टफोन है वो 5000mAh बैटरी के साथ आता है जिसमें आपको 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो गाइस अगर हम कंपेयर करें इसकी स्पेसिफिकेशन को Realme के 8 वाले 4G वाले वेरिएंट की जो आपको इंडिया में देखने के लिए मिला है जिसकी प्राइस आपको 15,000 रुपये मिलती है, तो उसकी स्पेसिफिकेशन मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है क्योंकि वहाँ पर आपके कैमलेट पैनल मिल जाता है जबकि यहाँ पर आपके IPS LCD पैनल मिल जाता है और 18W की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। और जो कैमराज है वो भी आपको एवरेज से ही देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जो Realme का 8 है वो बेस्ट ऑप्शन है अगर आप इसके हिसाब से देखो, बट यहाँ पर आपको 5G का सपोर्ट मिल जाता है जो स्मार्टफोन का प्लस पॉइंट है। तो देखते हैं कि इंडिया में ये जो स्मार्टफोन है वो किस प्राइस के साथ लॉन्च होता है। और मैं आपको बता दूं कि अप्रैल के लास्ट वीक में आपको Realme का 8 5G और Realme का 8 Pro 5G भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही बेल को दबा दीजिए ताकि आप अपने अपडेट को मिस ना करें। थैंक यू।